आज हम वायरमैन व्यवसाय और इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय और सोलर व्यवसाय और भी अन्य ट्रेडों के जो बेसिक से बेसिक हस्त औजार है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहले अपन इंसुलेशन कॉम्बिनेशन प्लायर देखते हैं। ये प्लायर, इसका काम है कि वायर को इंसुलेशन हटाने, वायर को काटने, उसका लूप बनाने या वायर को क्रिम करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। इसके पीछे पीवीसी इंसुलेशन लगा हुआ है जिससे कि हम विद्युत कार को काम करते हैं उसमें हमें झटका ना लगे। उसके बाद ये अगली प्लायर है, इसको बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर जहाँ पे अपना सामान्य तौर पर हाथ ना जा सके वहाँ से कोई चीज़ उठाने, बाकी वापस वायर कटिंग करने, इंसुलेशन छीलने, उसके लिए काम में लेते हैं। और इसके पीछे भी पीवीसी इंसुलेशन लगा हुआ है ताकि हम विद्युत के झटके से बच सकें। उसके बाद ये फ्लैट नोज प्लायर है। फ्लैट नोज प्लायर, इसका काम थोड़ा सा अलग है। इसमें जो क्रिम्पिंग का भाग है जो थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, उसके बाद वायर कटिंग, इंसुलेशन छीलने, और इसके पीछे भी इंसुलेशन लगा हुआ है। उसके बाद साइड कटिंग प्लायर है। साइड कटिंग प्लायर के पीछे भी इंसुलेशन लगा हुआ है और इसका काम वायर कटिंग करने या वायर के साइज के अनुसार कटिंग करने के काम में लिया जाता है। उसके बाद ये राउंड नोज प्लायर है, इसके पीछे भी हैंडल पर इंसुलेशन लगा हुआ है। इसके ये आगे के जो भाग है वो राउंड शेप में है, पूरे गोलाकार है। इसका उपयोग तारों का लूप बनाने और इंटरलॉकिंग वाशर और आउटर लॉकिंग वाशर को निकालने या वापस लगाने के काम में लिया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये तीन अलग अलग प्रकार के वायर स्ट्रिपर हैं। ये एडजस्टेबल वायर स्ट्रिपर हैं, इसके नट को एडजस्ट कर सकते हैं तार की मोटाई के अनुसार उसका इंसुलेशन हटाने के लिए। इसके पीछे भी इंसुलेशन लगा हुआ पीवीसी। इसके बाद है ये मल्टीफंक्शनल वायर स्ट्रिपर। इसको अलग अलग साइज के वायर को इंसुलेशन हटाने, वायर के कटिंग करने और ये क्रिम्पिंग का काम भी करता है। इसके बाद है ये एक और अलग प्रकार का एडजस्टेबल वायर स्ट्रिपर। इसके भी यहाँ पे नट होता है, उसको एडजस्ट करके तार की मोटाई के अनुसार अपन उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर इसलिए कि इसको अपन जिस नट बोल्ट की साइज के अनुसार इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मुंह छोटा बड़ा करके, और कोई भी नट बोल्ट खोलने और कसने के काम में आता है। इलेक्ट्रिशियन के टूल बैग में प्राय इस 200 mm का एडजस्टेबल स्पैनर होना चाहिए। उसके बाद है ये फेस टेस्टर। फेस टेस्टर है, ये फेस टेस्टर में शेंक होता है जो काफ़ी छोटा होता है। ये प्राय 8 सेंटीमीटर का शेंक होता है। इसमें ये बिट होता है, इसके अंदर एक कार्बन रजिस्टर और एक नियॉन बल्ब लगा होता है, पीछे धात्विक टिप लगी होती है। जब इलेक्ट्रिशियन ये फेस टेस्टर है, इस फेस टेस्टर को इलेक्ट्रिशियन चालू लाइन या जो जीवित तार होता है उस पर लगा के देखते हैं। उस पर लगाने के बाद जो ये इस पर धात्विक कैप है, इस पर अपन उंगली लगाएंगे, अपन वेल इंसुलेटेड होंगे तो इसमें ये जो नियॉन बल्ब है ये ग्लो करेगा, तब तो अपन को पता चल जाएगा कि जो जीवित तार है या उसमें फेस। इसके बाद हम देखते हैं ये पेचकस है, इसको इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इस पेचकस का आगे वाला भाग जो है इसको बिट बोला जाता है, बिट, और इसको हैंडल बोला जाता है। ये पीवीसी हैंडल है, बिट और हैंडल के बीच के भाग को शैंक बोला जाता है। अगर आपको किसी पेचकस का साइज नाप नहीं हो तो बिट और हैंडल के अलावा जो शैंक बचता है उस शैंक की साइज नाप के अपन काम में लेते हैं। जैसे ये 12 सेंटीमीटर का पेचकस है। इसके बाद ये आगे वाला, ये सेम माइनस पेचकस है 12 इंची का, इसमें थोड़े साइज का फर्क है बस। ये साइज ये 15 सेंटीमीटर का पेचकस है। इसके बाद पेचकस, ये वाला पेचकस है जिसमें ये हैंडल है, इसको 2-in-1 मल्टीफंक्शनल पेचकस भी बोलते हैं। इसको अपनी सुविधा के अनुसार क्रॉस पिन में काम में ले सकते हैं और ये माइनस पिन में भी काम में ले सकते हैं। इसका ये हैंडल है, ये हैंडल में ऐसे लग जाता है। उसके बाद ये साइज में थोड़ा बड़ा और हैवी ड्यूटी पेचकस है जिसमें ये हैंडल और ये बिट है, इसकी साइज और थोड़ा हैवी काम के लिए काम में लेते हैं इसको। उसी की भांति ये माइनस का पेचकस है, इसकी साइज 30 सेंटीमीटर है। ये पहले पेचकस की जैसे ही ये हैंडल और ये इसका बिट है। ये एडजस्टेबल डिवाइडर है, इसका ये नट है जो एडजस्टेबल नट है, इसको लूज करके अपन इसके डिवाइडर का भांति नाप ले सकते हैं कहीं से भी। डिवाइडर की भांति ऐसे किसी का भी नाप लेना है जहाँ स्केल या रूलर काम में नहीं आ सकती, उसका नाप लेके कहीं और पे नाप ले सकते हैं। इसके बाद हम अलग अलग प्रकार की रेहतियाँ देखेंगे। रेहतियों को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। ये राउंड फाइल है
जिसको अपन कोई गोलाकार जो छेद किया हुआ है उसको वापस फिनिशिंग देने के लिए इसका काम में लेते हैं। ये इसका हैंडल है, ये इसके टिप है और ये इसका शैंक है। इसके बाद ये राउंड फाइल है, इसकी साइज भी थोड़ी बड़ी है और ये इसका राउंड थोड़ा सर्कल बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है। इसके बाद ये हाफ राउंड फाइल है, इसको रास्प कट हाफ राउंड फाइल बोला जाता है और ये जो अर्ध गोलाकार पर वस्तु है उसको सरफेस को चिकना करने या उसको फिनिशिंग देने के लिए काम में लेते हैं। ये भी हाफ कट राउंड रास्प कट फाइल है, ये फ्लैट फाइल है, क्रॉस कट फ्लैट फाइल है। इसमें यह पीछे हैंडल होता है, इसको शैंक बोलते हैं और ये टिप होती है। इसी की बाकी सेम ये देखिए ये फाइल, ये इसका हैंडल है, ये इसकी टिप है और ये इसका शैंक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है, ये 200 वाट की इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। इसका काम प्रायतर सोल्डरिंग करने या किसी तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक क्रॉस कट कोल्ड चीजल है, इसका प्रयोग हम प्राय ये फ्लैट कट कोल्ड चीजल है, इसका काम प्राय लोहे को काटने या फिर कहीं पे किसी को दीवार दीवार तोड़ने के काम में लिया जाता है, जहाँ पे होल करना होता है वहाँ पे। इसके बाद ये तो अलग अलग प्रकार के हैमर हैं, हैमर इसको इस हैमर को बॉल पिन हैमर बोला जाता है। इस हैमर के इस भाग को आई होल, इसको बॉल पिन, इसको फेस या बेस कहते हैं और ये इसका वुडन हैंडल है। इसी बॉल पिन हैमर में ये साइज में थोड़ा छोटा, ये 500 ग्राम का बॉल पिन हैमर है। इस हैमर को पीवीसी मैलेट बोलते हैं, इसमें ये पीवीसी भाग लगा होता है, बाकी ये आई होल, ये वुडन हैंडल और ये पीवीसी मैलेट। ये क्रॉस पिन हैमर है, इसके ये क्रॉस पिन, ये आई होल, वुडन हैंडल और ये बेस। इसके बाद ये विभिन्न प्रकार की एलंकी होती है, एलंकी में ये अलग अलग साइज की एलंकी है, एलंकी नट को खोलने के और कसने के काम आती है। इसके बाद ये स्पेनर सेट है, स्पेनर सेट ये अलग अलग प्रकार के नट बोल्ट को खोलने और कसने के काम में आते हैं। ये रबर के दस्ताने हैं, ये इंसुलेटेड है, विद्युतकार कोई भी काम करने विद्युत झटके से बचने के लिए इनको प्रयोग में लेता है, ये पहन कर काम करता है। ये अलग अलग प्रकार की एग्जा ब्लेड फ्रेम है, ये एडजस्टेबल एग्जा ब्लेड फ्रेम है, इसको अपन एग्जा ब्लेड की लंबाई के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका एडजस्टेबल नट है, ये इस तरह ही एग्जा ब्लेड है, इसमें एक ही प्रकार की साइज की एग्जा ब्लेड लगती है। इसके बाद ये भी एडजस्टेबल एग्जा ब्लेड फ्रेम है, ये पाइप एडजस्टेबल एग्जा ब्लेड फ्रेम है, यहाँ से नट को एडजस्टेबल कर सकते हैं और यहाँ से एग्जा ब्लेड की साइज के अनुसार पाइप को एडजस्ट कर सकते हैं। ये वुडन मैलेट है, तो पीवीसी मैलेट के बाद ही वुडन मैलेट है। ये बैरिंग कूलर है, ये आउटर साइड बैरिंग कूलर है, जो किसी पंखे की शाफ्ट में बैरिंग होता है उसको निकालने के काम में लिया जाता है। ये उसी प्रकार बैरिंग कूलर, ये इनसाइड बैरिंग कूलर है, किसी अंदरूनी भाग में जो बैरिंग फंसा होता है बैरिंग के अंदर से उसको पकड़ के खींचने के काम आता है। ये 30 सेंटीमीटर स्टील रूल है, इससे अपन किसी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको ऑयल कैन बोलते हैं, इसे कहीं पे भी लुब्रिकेंट करने के काम में लिया जाता है, जैसे बैरिंग पंखे में अपन को काम में लेने पड़ता है वहाँ पे अपन ऑयल डाल सकते हैं। पेचकस की बात ये पोकर होता है, जहाँ पे लकड़ी में स्क्रू कसने से पहले उसका सेंटर करना पड़ता है, सेंटर पंच की तरह काम में लेते हैं, इसे पहले होल करते हैं उसके बाद स्क्रू कसने में हमें आसानी होती है। ये मल्टी फंक्शनल स्क्रू ड्राइवर सेट है, इसमें इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। बाकी ये पोकर है, ये माइनस मूव का पेचकस, ये स्टार बिट का पेचकस है, ये इसका बॉक्स है।